साथियों, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं। कंपनी में काफी समय से लगे थे, इसी वजह से अब थोड़ा दिमाग को आराम देने के लिए मैंने बाहर देश में घूमने का प्लान बनाया। तो ठीक पता नहीं क्यों, और वहां की एक जगह बरेन फुटवॉक हमें वो काफी अट्रैक्ट लगा। मैं ठीक अपने दो दोस्त अखिल और संदीप के साथ वहां पहुंच गया। हमने ठीक इंटरनेट पे जो तस्वीरें देखी थी, हम वहीं पर गए। बस यहीं से शुरुआत हुई एक खौफनाक दास्तां की ओर। खैर, वो होटल दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और अच्छा था। होटल के सभी रूम काफी बड़े थे। हम तीनों उस होटल के अंदर गए और वहां से चाबी लेकर अपने अपने रूम में चले गए। पर हां, मैंने देखा कि जैसे ही हम होटल के अंदर गए तो संदीप एक लड़के से चुपचाप जाकर बातें करने लग गया और उससे गले मिलने लगा। हम रुके और जब हमने संदीप से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसके बचपन का दोस्त संजय था, जो कि इसी होटल में काम करता है। हमने उसकी तरफ देख के इशारा किया और फिर हम अपने रूम में चले गए। दोस्तों, मैं तो सीधा जाकर सो गया क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक गया था, इतना लंबा सफर कि पूछो ही मत। खैर, शाम को हम लोग खाना खाने के लिए नीचे गए। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, कभी बाहर की तरफ देखता तो कभी अंदर की चीजों को। थोड़ी देर में एक वेटर मेरे पास आया। पूछने पर उसने कहा कि खाना उनके रूम के अंदर पहुंचा देंगे। तभी अखिल ने कहा कि हम तीनों का खाना उसके रूम में पहुंचाए क्योंकि हम सब एक साथ ही खाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वेटर खाना लेकर आया और रखकर चुपचाप चला गया। हम तीनों खाना खाते खाते आपस में बातें कर रहे थे। इंटरनेट पर कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे जहां हम कल घूमने जा सके। काफी समय बाद वेटर वापस खाने के बर्तन लेने आया, लेकिन जाते जाते कहने लगा कि 2 बजे से पहले सब सो जाना, कोई भी इतनी देर रात तक जगा हुआ मत रहना। मैंने तुरंत कहा कि ऐसा क्यों है कि हम 2 बजे से पहले सो जाएं। वेटर कहने लगा कि आपको जितना कहा जा रहा है आप उतना ही कर लीजिए। एक हल्की सी मुस्कुराहट देके वो चुपचाप निकल गया। मुझे उस पर एक बार को गुस्सा तो आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मजाक कर रहा होगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम नीचे उस वेटर से मजे ले रहे थे। मैंने तुरंत भागकर उसे वापस बुलाया और दोबारा पूछा तो उसने कहा कि हमारे होटल के कुछ रूल हैं, कोई भी 2 बजे तक जगा हुआ नहीं रहेगा। दोस्तों, बात बड़ी अजीब थी। आखिर कोई भी इंसान अपने घर से जब बाहर जाता है तो क्या उसमें भी कोई रूल फॉलो होते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप मेरी जगह खुद को रख के देखिए, अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, मैंने मन को शांत किया और उससे कहा कि चलो ठीक है, अगर आपके रूल हैं तो हम 2 बजे तक सो जाएंगे, आप जाओ। दोस्तों, ऐसे में कौन सोता है? कौन भला अपने घर से प्लान बनाकर ऐसे होटलों के कमरों में सोता है? हमने भी वही किया। कब बात करते करते 2 बजने को आए, हमें पता ही नहीं चला। और वैसे भी जब हम सुबह आए तो आते ही सो गए, जिसके कारण हमें नींद नहीं आ रही थी। पर अब 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। मैंने वॉशरूम से निकलते निकलते कहा कि उस वेटर ने कहा है 2 बजे से पहले सो जाना, 2 बजने को आ रहे हैं तो अब सो ही जाते हैं। उसी बीच संदीप ने कहा कि अभी 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि सुबह हमें जल्दी उठकर घूमने भी जाना है, बाकी चाहे वेटर की बात हो या किसी की भी, हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद मैं और संदीप अखिल के रूम से हमारे रूम में जाने लगे। चलते चलते हमने शीशे से बाहर की तरफ देखा। बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, एकदम सन्नाटा। दूसरी ओर पूरा होटल ऐसे शांत था जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। संदीप चलते चलते मुझसे कहने लगा कि लगता है इस होटल के रूल सच में बहुत स्ट्रिक्ट है, तभी तो इतना सन्नाटा है। हम बात करते करते अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक हमारी नजर सामने की ओर गई। हमने देखा कि सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं।
पर उन दोनों का चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। संदीप कहने लगा कि चलो कोई तो निकला जो अभी तक हमारी तरह सोया नहीं। हमने जब इधर उधर देखा और दोबारा सामने की तरफ देखा तो पाया कि वो दोनों वहां से गायब थे। अब वहां कोई भी नहीं था। मैंने संदीप से कहा कि शायद अपने रूम में चले गए होंगे और हमें भी चलना चाहिए। ये कहकर हम दोनों अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। हमने उस बात को ज्यादा ध्यान में नहीं लिया। दोस्तों, जब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मैंने महसूस किया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मानो कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मैं एक बार को पलटा लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखकर स्माइल की और चुपचाप अपने रूम में चला गया। नहीं मालूम कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। एक तो वेटर ने पहले ही अजीब सी बात कर दी थी और दूसरी तरफ एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि आखिर सच में कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। खैर, मैं ये सोचते सोचते सो गया। अगले दिन वेटर ने जब गेट बजाया तो मैंने समय देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। मैंने जैसे ही गेट खोला, वेटर कहने लगा कि नाश्ता करने के लिए आप नीचे आ जाइए। फ्रेश होने के बाद हम तीनों नाश्ते के लिए नीचे पहुंचे। उसी बीच संदीप को उसका दोस्त संजय मिला। वो ठीक उससे बातें कर रहा था। मैं और अखिल भी साथ में थे। उसी बीच मुझे अचानक से याद आया कि जब कल रात मैं और संदीप कमरे में जा रहे थे तब वहां सामने कोई खड़ा था। ये ठीक वही कपड़े थे जो कि शायद मैंने कल रात देखे। मैंने तुरंत संजय से पूछा कि क्या आप रात को इसी होटल में रहते हो। संजय ने कहा, नहीं, मैं इस होटल से थोड़ी दूर रहता हूं। दोस्तों, मैं इसके आगे कुछ पूछता कि संजय ने बात को काटते हुए कहा, ठीक है संदीप, अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। संजय चुपचाप वहां से चलता बना और हम तीनों नाश्ते के लिए आ गए। हमने ठीक रात को जिस जगह के बारे में देखा था, हम वहां जाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद हम उस जगह के लिए होटल से निकल गए। उस जगह में हमें पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। वहां हमने खूब इंजॉय किया, बड़ी ही मस्त जगह थी। वापस आते वक्त रास्ते में हमारी टैक्सी खराब हो गई, इस वजह से हमें रात को होटल पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। रात का समय था, वक्त भी ज्यादा हो गया था, इसी वजह से हमें कोई और गाड़ी भी नहीं मिली। हमें ठीक होटल पहुंचते पहुंचते लगभग 2 बजने को आए थे। हम जल्दी से होटल पहुंचे और अपने अपने रूम में जाने लगे। यकीनन हम बहुत थक गए थे। हम अभी होटल के मेन गेट पर थे। हमने देखा कि होटल की छत पर कोई कपल खड़ा है। वो दोनों ठीक बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि कल रात को वो मुझे दिखे थे। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, वो दोनों अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके हाथों से खून की बूंदें नीचे गिर रही हों। ये सब देखकर मैं भागकर होटल के अंदर गया और वहां जाकर वेटर के पास पहुंचा। मैं ठीक दरवाजा खटखटाने लगा लेकिन सामने दिखते हुए भी उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो काफी गहरी नींद में सो रहा हो। हम ठीक अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। हम जैसे ही आगे बढ़े तो ऐसा लगा मानो कि अचानक कोई आगे से भाग कर गया हो। हम डरते हुए आगे बढ़ने लगे। बार बार ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हमारा पीछा कर रहा हो। दोस्तों, हम तीनों को थोड़ा डर लगने लगा, इसीलिए हम तीनों ने तय किया कि हम तीनों एक ही रूम में सोएंगे। हम तीनों मेरे रूम के अंदर चले गए और डरते डरते बैठे। रात काफी डरावनी होती जा रही थी। उस रात ऐसा एहसास हुआ कि मानो जैसे कोई कमरे के बाहर घूम रहा हो। पर खैर, कुछ ही समय बाद सुबह हो गई। मैं लगातार सिगरेट पी रहा था। हमने हिम्मत करी और तैयार हुए। हम सुबह नाश्ते के लिए वापस नीचे गए और सीधा मैनेजर के पास गए। हमने मैनेजर को इस बारे में बताया तो मैनेजर कहने लगा कि आप 2 बजे से पहले सो जाया करो। इतना कहकर वो एकदम चुप हो गया। संदीप कहने लगा कि मेरा दोस्त संजय भी पिछले 4 सालों से इसी होटल में काम कर रहा है, उसे जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। लेकिन दोस्तों, संजय कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के बाद हमने काम कर रहे एक आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा कि आप संजय को कैसे जानते हो और आपको उसके बारे में किसने बताया। संदीप तुरंत बोल पड़ा, संजय मेरे बचपन का दोस्त है।
उस आदमी ने कहा, मुझे उसके बारे में नहीं पता। और हाँ, उसे आप ढूंढना बंद कर दीजिए, आपके लिए उससे दूर रहना ही अच्छा है। ये कहकर वो आदमी चुपचाप वहां से निकल गया। दोस्तों, हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने संजय के बारे में ऐसा क्यों बोला कि उससे दूर रहना चाहिए। आखिर संजय ऐसा क्या काम कर रहा था, नहीं मालूम। थोड़ी देर में हम एक दूसरे वेटर के पास गए जो कि इस होटल में कुछ ही दिन पहले आया था। हमने उससे संजय के बारे में पूछा, कहने लगा कि यहां तो संजय नाम का कोई आदमी काम ही नहीं करता। दोस्तों, ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा कि आखिर कैसा दोस्त है तेरा, जो है भी और नहीं भी, आखिर वो करता क्या है ऐसा, कहीं यहां कोई और नाम से तो नहीं रह रहा। क्योंकि पहले वाला आदमी भी कह रहा था कि उससे दूर रहना ही ठीक है। मेरे दोस्त, वो ऐसा क्या करता है, प्लीज हमें बता। दोस्तों दोस्त क्या कहता, वो खुद हैरान था। मुझे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। मैं दोबारा मैनेजर के पास गया। मैंने उससे दोबारा इस बारे में पूछा तो मैनेजर कहने लगा कि यहां सब कुछ ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही वहम है तो ये लो काला धागा, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक यहां से ना जाओ इसे मत खोलना, और प्लीज अब यहां से जाओ। उस दिन हम तीनों वापस रात को एक साथ कमरे में बैठे थे। हमने तय कर लिया था कि आखिर ये रात को 2 बजे के बाद ऐसा होता क्या है, जरूर संजय कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। हम धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगे। उस दिन हमने देखा कि वही लड़का लड़की होटल की छत की तरफ जा रहे थे। हम तीनों धीरे धीरे उनके पीछे पीछे गए। हम तीनों छुपकर उन्हें देखने लगे, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे उन्होंने हमें देख लिया और हमारे पास आकर खड़े हो गए। दोस्तों, उन्हें देखकर हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हम पूरे पसीने से भीग गए, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, वो संजय ही था। उस वक्त उसके साथ एक और लड़की भी थी। दोनों का चेहरा बदला हुआ था, मानो जैसे भूत हो। उन दोनों के चेहरों पर चोट के निशान बने हुए थे। उन्हें ऐसा देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो एकदम बेचैन हो गए, मानो ऐसा लगा कि जैसे उनका शरीर जल रहा हो। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, पर फिर हमारी नजर हमारे बंधे काले धागे पर गई, जो कि ठीक हमें मैनेजर ने दिया था। इतना सब होने के बाद हम वहां से भाग गए कि कहीं कोई और खतरा हमारे पीछे ना पड़ जाए। हम तुरंत भागकर मैनेजर के पास गए। जब हमने मैनेजर को गुस्से में ये सब स्टोरी सुनाई तो उसने हमें संजय की पूरी स्टोरी बताई। उसने कहा कि संजय यहां का वेटर था, उसे एक लड़की से बेहद प्यार था। उनके परिवार वाले इस रिश्ते को नापसंद करते थे। दोनों के ना मानने पर संजय और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को रात के 2 बजे इस होटल की छत से नीचे फेंक दिया गया। बस एक यही वजह है कि शायद किसी किसी को उनकी आत्मा दिख जाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि संजय तुम्हारा दोस्त था, वरना कई लोग तो यहां से सीधा हॉस्पिटल भी पहुंच गए हैं। हालांकि जान किसी की नहीं गई, मगर वो दिखा भी नहीं किसी को, सिर्फ तुम्हारे अलावा। दोस्तों, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि बचपन का कोई दोस्त इस तरीके से चला गया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला, मैं कैसे यकीन करूं। मैंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल लगाया। उसने बताया कि संजय को मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं। दोस्तों, ये बात मैंने अपने दिल में ज्यों के त्यों दबाए रखी। बस मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस इतनी ही थी ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और मैं एक बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं NIT उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बातें करना उतना अच्छा नहीं लगता। वो लोग ज़्यादातर अपना समय अकेले में ही बिताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं,
जिन्हें नए लोगों से बातें करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यूँ मानिए कि वो किसी भी माहौल में बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं। बस एक यही कारण है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मेरे दोस्त आसानी से बन जाते हैं। हालांकि हम तीनों साथ नहीं रहते, तीनों मतलब निहाल, सूरज और मैं। हम तीनों कॉलेज से बस 300 मीटर की दूरी में रहते हैं, जो कि एक शहरी इलाका है। और ठीक मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो शहर से कुछ दूर एक गांव जैसा इलाका है। हालांकि वो पूरी तरह से गांव भी नहीं है, लेकिन शहर से हटके है तो कहीं ना कहीं सुकून भरी शांति रहती है। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता। बस इसी कारण से किसी को इस बात से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग अलग अलग रहते हैं। सच कहूँ तो वैसे ये हकीकत भी अधूरी है, या फिर यूँ कहें एक कारण ज़रूर था। उन कारणों में से जो सबसे मेन कारण था वो ये था कि मैं साधनाओं के जगत से जुड़ा हुआ हूँ। अभी इससे पहले जो आपने तामसिक साधना की कहानी सुनी वो मेरी ही आप बीती है। खैर, अब मैं वो साधना तो नहीं करता, लेकिन सात्विक साधनाओं से अभी भी जुड़ा हूँ। और हाँ, मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने यह ज़रूर जान लिया होगा कि तुम लोगों को ऐसी किसी साधना में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक तो होगा ही, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी तकलीफदायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की घटना किसी साधना की नहीं है, कहानी है सूरत में स्थित दुमस बीच की। बताता हूँ दोस्तों, हमें कॉलेज में लगभग 6 महीने हो चुके थे। उसी बीच हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आ चुकी थी। अब यह हर इंजीनियर कॉलेज में होता ही है, जैसे कि बहुत सारी बातें। एग्जाम्पल ये है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले रात में सभी बच्चे आपस में बातें बहुत करते हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। उस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग के छत पर टाइम यही कोई 1 बज रहा था। कॉलेज का मेन गेट भी बंद हो चुका था, लेकिन दोस्तों हमारे लिए कॉलेज की बाउंड्री कूद कर आना कोई नई बात नहीं थी। तो ठीक मैंने सूरज से कहा कि यार, बहुत सुन रखा है इस दुमस बीच के बारे में। सुना है रात में कोई वहाँ जनरली जाता नहीं है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ आत्माओं का वास हो जाता है अक्सर रात के समय में। दोस्तों उसी बीच निहार ने कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने बस सुनी सुनाई बातें एक दूसरे को बता रखी है। हाँ, मानता हूँ कि दुमस बीच का अपना ही एक पुराना और थोड़ा मिस्टीरियस इतिहास है, लेकिन आज के टाइम पे यह आत्मा या भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और तो और, अब मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बस इनके अस्तित्व को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं। तुम ही बताओ वो कितनी भयानक हो सकती है अगर वो तुम्हें अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाए। दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि ये बात और आगे बढ़े, इसीलिए मैंने निहार का सपोर्ट लेते हुए उसे किसी तरह चुप करा दिया। साथ ही निहार की एक अच्छी आदत थी, ये शायद बुरी भी, तो ठीक वो आदत ये थी कि वो हर किसी चीज़ को मनवाने की ठान लेता है और किसी न किसी तरह मनवा भी लेता है। खैर, उस बीच सूरज मेरा इशारा समझ गया, उसने तुरंत टॉपिक को वहीं क्लोज कर दिया। इसके बाद हम सब अपने अपने रूम पर वापस आ चुके थे। देखते ही देखते हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए। अब हमारा आखिरी पेपर फिजिकल का था। अब वो सब्जेक्ट हमारे लिए उतना टफ नहीं था, तो हमने शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया गया था और ठीक उसके अगले दिन संडे था, तो हम सारे रिलैक्स थे। इसीलिए हमने उस दिन रात को खूब गप्पे मारे। और तो और, उस रात में दोनों के साथ उनके ही रूम में रुक गया। हम लोग तकरीबन 11:37 तक रूम पर आ चुके थे। हम ठीक खाना खाकर बैठे बैठे बातें कर रहे थे, उसी बीच अचानक निहार बोल पड़ा कि तुम लोग सेमेस्टर खत्म होने के बाद घर जाने वाले हो क्या? हमने हाँ में जवाब दिया, पर तभी उसने दोबारा कहा कि इस बार चलते हैं 10 दिन की ट्रिप पर, और वैसे भी
हॉलीडेज 30 दिनों की है, तो ठीक ट्रिप के बाद भी घर चले जाएंगे। दोस्तों, हमें भी उसका ये आइडिया पसंद आया। फिर हमने भी एक दूसरे से पूछा और कहा कि ठीक है। लेकिन तभी निहार वापस बोल पड़ा कि दुमस बीच चलते हैं। बात चल ही रही थी कि अचानक सूरज ने भी हामी भर दी। अब जब दोनों की ही राजी देखी तो मैं भी इनकार नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एग्जाम खत्म होते ही हमने अपना सामान पैक किया और घर वालों को बताकर निकल पड़े। हमने ठीक होटल रॉयल ट्रीट में चेक इन किया, क्योंकि यह होटल उस बीच के काफ़ी पास में था। और तो और, होटल रूम की विंडो से दुमस बीच का नज़ारा साफ साफ दिखता था। पर खैर, हम उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतने लंबे सफ़र के बाद हम तीनों दोस्तों ने फ्रेश होकर लंच किया। साथ ही साथ सूरत की एक बात और बहुत अच्छी थी कि वहाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता था, क्योंकि अक्सर मुझे किसी नई जगह पर जाने पर खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए मुझे वो जगह भी बहुत अच्छी लगी। हम जब सोकर उठे तो हमने देखा कि शाम हो चुकी है। मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा था। बस फिर क्या था, हम निकल गए सूरत की खूबसूरती देखने। हालांकि हम उस दिन बीच पर नहीं गए, बस वहाँ की कुछ एक दो जगह देखी, कुछ लोगों से जान पहचान की और तकरीबन 8:30 बजे तक हम वापस अपने रूम पर आ गए। रूम पर आने के बाद हम कल की प्लानिंग करने लगे। इसके अगले दिन सबसे पहले हमने मॉल जाकर कुछ शॉपिंग करी। उसी बीच तकरीबन 1:30 बजे लंच करके हम सिनेमा हॉल की तरफ चले गए। सब कुछ होने के बाद हमें 6 बज गए। हमने शाम का स्नैक्स भी नहीं करा, सीधे डिनर के टाइम हमने डिनर किया और आपस में गप्पे मारने लगे। उसी बीच सूरज ने भी अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगा दिया। वो ठीक लैपटॉप पर दुमस बीच की कहानियाँ और कुछ रिव्यू देखने लगा। इधर उधर घूमने के बाद हमने भी बाद में उसे ज्वाइन कर लिया। उसी बीच हमने भी उस वीडियोस में से एक वीडियो प्ले कर दी। वो कहानी भी 4 लड़कों की थी, जिनका नाम था निखिल, राजवीर, तान्या और ज्योत्सना। कहानी में निखिल और तान्या कपल्स थे, तो ठीक दूसरी तरफ ज्योत्सना और राजवीर भी कपल थे। कहानी में उनकी अभी शादी होने वाली थी। और तो और, वो चारों बचपन के ही दोस्त थे। सभी लोगों की तरह वो भी कुछ दिनों यादगार पल बिताने आए थे इसी दुमस बीच पर। लेकिन शायद ये उनका कोई आखिरी हसीन पल था, क्योंकि इसके बाद से वो दोनों कपल्स अगले दिन से अपने कमरे में नहीं मिले। कई दिनों बाद तक जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उनके घर वालों ने जांच पड़ताल शुरू करवाई। जांच के दौरान वो चारों के चारों बीच के किसी किनारे बहुत ही जख्मी हालत में मिले। उनके शरीर पर दांतों और नाखूनों के बहुत बड़े बड़े निशान थे। इसके बाद उनका क्या हुआ या उनके साथ किसी ने क्या किया, किसी को नहीं मालूम। हम सब वीडियो देख ही रहे थे कि अचानक निहाल बोल पड़ा कि भाई तू ये सब बंद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस एक अफवाह है। और तो और, बात रही व्यू की, तो वीडियोस पर ज़्यादा व्यू पाने के लिए लोग कुछ भी अनाप शनाप बनाते हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद सूरज को न जाने क्या हुआ, बोल पड़ा कि अगर इतना ही दम है तो रहकर देखना पूरी रात उस दुमस बीच पर। इसी बात पर निहार भी बोल पड़ा। उसने कहा कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, वो अब रात भर वहीं रोक कर रहेगा। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। मैंने दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए उन्हें चुप करा दिया। जाहिर सी बात है, इतनी गहमा गहमी के बाद मूड ठीक करने के लिए हम बैल्कनी में चले गए। और तो और, दोनों भी शांत हो गए। मैं ठीक बैल्कनी में खड़ा था कि अचानक वो दोनों भी चुपचाप सोने के लिए चले गए। मैंने भी रक्षा सबर का मंत्र जाप किया और चुपचाप सोने चला गया। वैसे हमारा अगले दिन का पूरा प्लान एकदम सेट था। हमने बीच पर जाने की सारी पैकिंग कर ली थी। और तो और, वहाँ पहुँचते ही हमने एक ऐसी जगह चुनी कि हमने अपना मैट बिछाया और चुपचाप बैठ गए। दूसरी तरफ मैंने देखा कि वो दोनों अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर एकदम तैयार खड़े थे, पर मुझे सर्फिंग बोर्ड नहीं आती थी, इसीलिए मैं वहाँ बैठे बैठे उन्हें सर्फिंग करते हुए देख रहा था। खैर, हम सब ने खूब इन्जॉय किया। इसके बाद जब वो दोनों सर्फिंग कर वापस आए
तो हम तीनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और शाम होते होते रूम पर वापस आ गए। रूम पर पहुंचकर थोड़ी देर बाद हमने शावर लिया और रात का डिनर करके सोने चले गए। दोस्तों, जब मैं सो रहा था तो रात तकरीबन 11:15 पर अचानक मुझे कॉल आया। मैंने उस कॉल को एक दो बार इग्नोर किया और चुपचाप सो गया। लेकिन जब कॉल कंटिन्यूसली आने लगा तो मैंने लाइट ऑन की और चुपचाप उठकर बैठा। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैंने लाइट ऑन की तो निहार और सूरज दोनों ही वहाँ नहीं थे। एक बार को मुझे लगा कि शायद बैल्कोनी में होंगे कि तभी उसी बीच अचानक एक बार कॉल फिर से बज उठा और ठीक इस बार मैंने जब फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि क्यों आखिर ये दोनों गए कहाँ, और तो और ये मुझे कॉल कहाँ से कर रहे हैं। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया। मेरे कॉल रिसीव करते ही सूरज ने कहा, उसने कहा कि भाई हम बीच पर हैं, तू भी जल्दी से आ जा। दोस्तों, सच कहूँ तो इतना सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे होटल रूम से बाहर कदम बढ़ाए और भागते हुए बीच पर जा पहुँचा। बाहर इतनी ठंडी हवाएं थी कि मानो ठंडी हवाओं से आदमी वहीं जम जाए। खैर, वैसे एक बात तो थी कि दिन में बीच जितना खूबसूरत दिखता है उल्टा रात में उतना ही डरावना लगता है, क्योंकि रात में आसपास तक कोई नहीं दिख रहा था, चारों तरफ शांति ही शांति थी। उसी बीच मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त कुछ लकड़ियों से आग जला रहे थे। वो ठीक एक दूसरे की ओर मुंह कर कर बैठे थे। मैंने तुरंत उनके पास पहुँचते ही उन पर बहुत चिल्लाया। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि हम तीनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। मैं ठीक गुस्से में उन्हें बुरा भला बोले जा रहा था। मेरी ऐसी हालत देख उन दोनों ने मुझसे कहा कि भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, आ तू भी आराम से बैठ जा, बस थोड़ी देर और बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। सच कहूँ तो रात में आने पर इस बीच का मज़ा ही कुछ और है। और तो और वैसे भी हम दोनों का ही इस टाइम पर यहाँ आने का मन था। वैसे भी अगर तुझे बताते तो तू नहीं आता और ना ही हमें आने देता, इसीलिए हमने अकेले ही आने का प्लान बनाया। जब समय बीता, अच्छा सा लगने लगा तो ठीक हमने तुझे कॉल किया ताकि तू बिना कुछ सोचे चुपचाप यहाँ आ जाए। दोस्तों, मैंने उनकी बातें सुनकर अपना माथा पकड़ लिया। मैंने सोचा कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, और तो और मैं करता भी तो क्या। मैंने थोड़ी देर वहीं बैठकर वापस जाने का सोचा। देखते ही देखते मुझे पता चला कि इन दोनों ने यहाँ शर्त लगा रखी थी एक दूसरे को गलत साबित करने की। खैर, हमें वहाँ बैठे बैठे 1-1.5 घंटा हो गया था। कुछ ही देर बाद मैंने भी वहाँ इंजॉय करना शुरू कर दिया। मैंने इंजॉय करते ही तभी निहार बीच में बोल पड़ा कि यार हम पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, अब तुम लोग ही बताओ यहाँ ऐसा कुछ भी है जैसा कि लोग अपनी बातों में बताते हैं। क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी ऐसा फील हो रहा है जिससे कि तुम्हें डर लगे, ये बस मन घड़न कहानियाँ होती हैं। सच कहूँ तो ये सब कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उसके ऐसा कहते ही मैंने घड़ी में समय देखा, 2:30 बज चुके थे। बातों ही बातों में हमें समय का पता ही नहीं चला। और तो और अब मुझे वॉशरूम लग रही थी। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं ठीक पब्लिक रेस्टोरेंट में चला गया। सब कुछ करने के बाद वापस आते वक्त मैंने सोच लिया था कि अब किसी भी तरह इनको वहाँ से वापस ले जाना ही होगा। लेकिन ये क्या, जब मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सूरज ज़ोर ज़ोर से निहार को झंझोर रहा था। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सामने निहार बेहोश पड़ा था। मैंने सोचा कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो ये बेहोश हो चुका है। मैंने तुरंत समुद्र का पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। उस वक्त उसका पूरा शरीर बहुत गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसके शरीर पर किसी ने 100 डिग्री का गर्म पानी डाल दिया हो। खैर, वो किसी तरह होश में आया, लेकिन उसकी ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस बड़ी बड़ी आँखों से एक और ही देखते जा रहा था। वो ठीक हमारे बीच छुपने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो। हम दोनों ने उसके चेहरे की तरफ देखा और ठीक उसकी आँखों का इशारा देखते हुए
हमारी नज़रें उसी ओर मुड़ चली। निहार बार बार उसी ओर देखे जा रहा था। हमने जैसे ही उस तरफ देखा तो निहार जोरों से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि वो मुझे मार देगी। हमने पूछा कौन मार देगी, पर वो एक ही रट लगाता रहा। दोस्त के ऐसे हालात देखकर सूरज से रहा नहीं गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि कौन है उधर, हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। निहार सूरज को चुप करते हुए कहने लगा कि भाई कुछ मत बोल, वो तेरी बातों से और नाराज हो रही है। लेकिन सूरज कहाँ मानने वाला था, उसने गुस्से में और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सूरज लगातार बोल ही रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पैरों को रेत के अंदर से खींच रहा हो। उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रहे थे। उसी बीच सूरज ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगा कि भाई मेरे पैर हिल नहीं पा रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद कोई मेरे पैर खींच रहा है। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जहाँ मैंने सूरज को बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस किया। दूसरी तरफ मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि जिसका मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। मैंने ठीक अपनी रक्षा माला सूरज के गले में डाली। मैं ठीक उसे अपने पूरे दम से अपनी ओर खींचने लगा। मेरे खींचते ही वो बड़ी ही तेजी से मेरी ओर आकर मुझसे टकरा गया। इसके बाद वो एकदम फ्री तो था लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। खैर, हमने निहार को कंधे के सहारे उठाया और बहुत तेजी से वहां से निकलने लगे। चलते चलते तभी एक आवाज़ ने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों की आवाज़ पीछे से हमारे कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि रुको, अभी तो बहुत टाइम बाकी है हमारे साथ, कुछ देर और रुको। दोस्तों, जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 5-6 लोग हमारे पीछे देखते ही बहुत ज़ोरों से हंसने लगे। कहने लगे कि अपने उन दोनों दोस्तों को यही छोड़कर जाओ, वो दोनों हमसे मिलने ही तो यहाँ आए थे। उसी बीच मैंने देखा कि समुद्र से एक औरत भागते हुए हमारी तरफ आ रही थी। उस औरत के पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। वो ठीक हमारी तरफ भागते हुए आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी आते ही हमें कच्चा चबा कर खा जाएगी। हम तुरंत वापस मुड़े और बहुत तेज़ी से निहार को लिए भागने लगे। मैंने ठीक अपना काल भैरव रक्षा मंत्र तुरंत पढ़ना शुरू किया, जिसकी शक्ति आप तब जानोगे जब आप किसी मुसीबत के समय इसका जाप करोगे। बस फर्क इतना है कि आपको इस मंत्र पे पूरा भरोसा होना चाहिए। खैर, हम भागते भागते अपने होटल के रूम पर वापस पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने निहार को आराम से बैठाया, जिसके बाद उसकी हालत में काफ़ी सुधार आया। कुछ देर के बाद मैंने दोनों से पूछा कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था। तब जाकर कहीं उन दोनों ने बताया। उन्होंने कहा कि आत्माओं के होने या ना होने पर उन दोनों की बहस हो गई और तभी निहार गुस्से में उठा और कहने लगा कि अगर कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाए, अगर तुम्हारा कोई अस्तित्व है तो परिचय दो। मैं न जाने क्या क्या अनाज शनाप बोलने लगा। दोस्तों, उसके ठीक ऐसा करने के बाद एक औरत सफ़ेद साड़ी में बहुत तेज़ी से उनके गोल गोल चक्कर काटने लगी। वो ठीक उस बीच इन्हें गाली दे रही थी। उसने ठीक निहार को बहुत जोर का चाटा मारा और उसके पैर पकड़ लिए। वो ठीक उसे समुद्र में ले जाने लगी, लेकिन तभी सूरज ने किसी तरह उसे अपनी ओर खींचा, जिसके बाद वो औरत भागती हुई समुद्र में चली गई, जिसके बाद निहार बेहोश हो गया। दोस्तों, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। हमने 10 दिन के लिए रूम बुक किया था, लेकिन हम अगले ही 2 दिन बाद वहाँ से निकल गए। साथ ही मैं इस कहानी के जरिए आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं है तो मत करो, लेकिन उस चीज़ के अस्तित्व को चैलेंज भी मत किया करो। यकीन मानो कि अगर इस धरती पर तुम हो तो वो भी है। कहीं ना कहीं इस बात को मानो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसी गलती कभी मत करो कि जिससे तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। धन्यवाद। बस इतनी ही थी ये कहानी।